बैक टू ब्रेन बॉक्स स्मार्ट एकेडमी। तो आज की वीडियो है पेस्ट ऑफ सिट्रस के बारे में। तो पेस्ट ऑफ सिट्रस के बारे में पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिट्रस है क्या, सिट्रस प्लांट्स कौन से होते हैं। तो सिट्रस के प्लांट्स में आते हैं स्वीट ऑरेंज जैसे संतरे, और मैंडरिन्स भी आते हैं, और लेमन, लाइम, नींबू जो आप यूज़ करते हो वो प्लांट्स, उन सब के कीट के बारे में यानी पेस्ट के बारे में हम आज पढ़ने वाले। पहले हमें कॉमन पता होने चाहिए। तो कॉमन में तो एफिड और मिली बग्स लगते हैं सिट्रस के प्लांट पे। अब अगर आपको और थोड़े इसके मेजर पेस्ट जानने हैं सिट्रस प्लांट्स के, तो उसमें एक तो होता है फ्रूट सकिंग मॉथ होता है जिसको ऑर्थ्रस स्पीशीज भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और होता है लीफ माइनर जिसे कहते हैं फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेमन बटरफ्लाई से नींबू की तितली। तो नींबू की तितली अगर आपको दिखता है कि कोई आपका कोई भी पेस्ट कोई भी कीट आपका सिट्रस प्लांट खा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो नींबू की तितली है या फिर कोई और पेस्ट है जैसे एफिड हो गए, मिली बगो, कोई और है। तो उसको जानने के लिए आज मैंने ये वीडियो सिर्फ सिट्रस बटरफ्लाई के बारे में बनाई है यानी नींबू की तितली के बारे में। तो नींबू की तितली के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक छोटे से अंडे से वो तितली बनती है। तो ये यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है कि जो ये सिट्रस के पेस्ट होते हैं ये कैसे आपके प्लांट को पूरे खा जाते हैं। और फिर हम लास्ट में एंड में ये भी डिस्कस करिए कि कैसे इसे मैनेज किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे ये बड़े होते हैं और तितली बनते हैं। तो ये है फर्स्ट इंस्टार जो ब्राउनिश कलर का दिखाई देगा आपको, और ये काफी ये स्पाइनी होती है इनकी बॉडी, और सिलेंड्रिकल स्पाइनी होती है, काफी ब्राउनिश कलर के होते हैं ये। फिर आप देख सकते हैं सेकेंड इंस्टार, तो ये भी थोड़े ब्राउन कलर के ही होते हैं। और एक और चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको इसके बाद। तो ये सेकेंड इंस्टार हो गया, थर्ड इंस्टार भी आप देख सकते हैं, ये देखिए थर्ड इंस्टार भी है और वाइटिश पैचेस भी देख सकते हैं आप इनमें। अब आता है फोर्थ इंस्टार, टिंज भी आएगी इसमें। और फोर्थ इंस्टार के बाद आप फिफ्थ इंस्टार का देखेंगे, तो फिफ्थ इंस्टार मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखें जो फिफ्थ इंस्टार का लार्वा दिखाई देगा आपको वो ग्रीनिश कलर का होगा, तो वो चेंज हो जाता है उसका कलर ब्राउन से ग्रीन में। और साथ ही साथ अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके पास एक डिफेंसिव ऑर्गन होता है जो अगर इसको टच करे, इसकी डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होती है तो वो शो करेगा। तो जैसे आपने देखा कि जो ये जो ऑस्मेटीरियम होता है ये एक डिफेंसिव ऑर्गन होता है जो ये जब इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो ये उस टाइम पे एमिट करता है फाउल सी स्मेल इस ऑस्मेटीरियम के थ्रू, और ये एंट्स के लिए यूज़ होती है और डिफेंसिव है ये फंक्शन में। तो भी पूरा टोटल लार्वल पीरियड होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 17 डेज का, और उसके बाद जो प्री प्यूपा होता है वो 1 डे का 1.02 इतना प्रॉक्स वेरी करता है। तो सिट्रस बटरफ्लाई के डैमेज सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो अगर आपको पता चल रहा है कि जो लीव्स है वो कोई आपको दिख रहा है कि डैमेज लग रहा है कि लीव्स खा रहा है कोई इंसेक्ट,
तो सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि अगर बाहर से अंदर की तरफ को खा रहे हैं और सिर्फ आपके यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, सिर्फ लीफ लैमिना दिखाई देंगे आपको, तो ये इसके मेजर डैमेज सिम्टम होंगे। सिर्फ ये मिड रिब बचेगी, बाकी ये पूरा प्लांट पूरा लीफ खा जाते हैं, सिर्फ मिड रिब बचती है। इधर भी आप देख सकते हैं इसने सिर्फ मिड रिब बचाई है और बाकी सारा पत्ता खा गया ये। तो मेजर सिम्टम इसका एक तो यही है, डिफोलिएशन कर देता है प्लांट की। और जो प्यूपा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन टू ब्राउन कलर का होता है, और साथ ही साथ जो टोटल लाइफ साइकिल होती है एडल्ट होगा वो ब्लैक कलर का होगा। ब्लैक कलर की फीमेल आपको साइज बड़ी साइज में लगेगी एज कम्पेयर टू मेल साइकिल होती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 29 to 30 days। तो ये थी लाइफ साइकिल हमारी सिट्रस बटरफ्लाई की, और आपने देखा कि कैसे कैसे इंस्टार्स शो करता है, अपने कलर कैसे चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट कंडीशंस, एनिमी से बचाने के लिए। अब इस पेस्ट को, अब क्या होता है कि जो ये पेस्ट होते हैं ये अगर आपके प्लांट्स में लग जाए तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डैमेज कॉज करते हैं। तो सिट्रस बटरफ्लाई को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो मैनेज करने के लिए या तो आप सीधे ही मार्वल इंस्टार से इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको एंडोसल्फान यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पेरिस्टॉइड्स यूज़ करनी है तो ट्राइकोग्रामा स्पीशीज़, टीलोनोमस स्पीशीज़ ये यूज़ कर सकते हैं आप इसको मैनेज करने के लिए। डिफोलिएशन कर देगा सिट्रस बटरफ्लाई, साथ ही साथ ये मिड रिब बचाता है, बाकी पूरा लीफ खा जाएगा और सिर्फ मिड रिब्स दिखाई देगी आपको। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो लार्वा होते हैं वो वोरिशियसली फीड करते हैं लीव्स पे, सिट्रस की लीव्स पे। तो इसी में ये आपका पेस्ट आता है लेमन बटरफ्लाई, या फिर इसको हम स्वॉलोटेल बटरफ्लाई भी कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हमारा जीमेल लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग ब्रेन बॉक्स स्मार्ट अकेडमी।